राम राम जी। लड़े तो दो गुजारी। ये 100 और वो वाली हाय YouTube फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल के न्यू वीडियो न्यू व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होगे। गाज़ियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। अभी एक बार फिर से दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैंने नहा लिया है, तैयार हो चुकी हूँ। अभी छत पे आई थी धुले हुए कपड़े डालने के लिए, कपड़े सारे सुखा दिए पीछे मैंने। आज कुछ लोगों के हिसाब से धनतेरस है, कुछ लोगों के हिसाब से आज छोटी दीपावली है। तो मेरी तरफ से आप सभी को छोटी दीपावली की, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के घर में सुख शांति बनी रहे, सबके घर में मंगल मंगल हो, यही दुआ करते हैं। तो चलो अभी चलते हैं नीचे, सबसे पहले करेंगे पूजा पाठ। बाकी दिन भर में जो भी होता रहेगा दिखाती रहूँगी आपको इस व्लॉग में। बने रहिए व्लॉग में आपकी बहन के साथ। जय हो सूर्यदेव भगवान। राम राम जी। हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। लक्ष्मी माँ तेरे बिना मान ना मिले, मान ना मिले माँ सम्मान ना मिले। लक्ष्मी माँ तेरे बिना मान ना मिले, मान ना मिले माँ सम्मान ना मिले। पैसे बिना कोई काम नहीं होता, काम नहीं होता माँ नाम नहीं होता। धन के बिना तो पहचान ना मिले, मान ना मिले माँ सम्मान ना मिले। धन के बिना तो पहचान ना मिले, मान ना मिले माँ सम्मान ना मिले। लक्ष्मी माँ तेरे बिना मान ना मिले, मान ना मिले माँ सम्मान ना मिले। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आरती पर जोश की रसोई में। अभी सुबह का नाश्ता हो रहा है तैयार। आरती और मम्मी का मन था पोहा खाने का, तो उनके लिए यहाँ पर अभी यहाँ पे पोहा तैयार कर दिया। वहाँ पे गर्मा गर्म चाय तैयार हो रही है। और कुछों का मन था ब्रेड और इसके साथ में बटर खाने का, तो अभी इसके बाद ये तैयार होने वाला है। तो सभी घर में है, रौनक लगी हुई है। टकूराम रोते रोते घर में आ रहे हैं, इनकी एंट्री हो रही है। मार दिया ने फिर। गुड मॉर्निंग इचान, ओ चानू। गर्मा गर्म पोहा, हमारी उबलती हुई चाय, गर्मा गर्म ब्रेड बटर, ब्रेकफास्ट टाइम। गुड मॉर्निंग जोशी जी। गुड मॉर्निंग चाचू, गुड मॉर्निंग बोल दो। अरे चाचू के साथ मैचिंग मैचिंग हो गई आज तो। चो नाल चला मुंडा, तो नाल चला, देखना देखना। इसको पता है चाचू के पास तोहफी है। कैसे देख रहा, देखना उसको पता ना टोफी बड़ी है, देखना। तो देखिए है ना ये, ठीक है ठीक है। कहाँ गई टॉफी, कहाँ गई? ओ चाचा ने जादू करके दिखाया। जोर लगा दो, पूरा पूरी जान लगा दे बेटा, पूरी जान। अरे 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 पैसे को का बात है भैया, का बात है, का बात है। ओए होए इचानू जीत गया, देखा छुपा दी पीछे उसने। पॉपी खाए दांत मारेगा, बहुत जोर से दांत मारता है। इधर से बाहर निकाल दिया उसको, ना उंगली खिला रहे होंगे इजबाल भी। बनाई जानू, बनाई जानू, पुच्ची चुबे चुबे पुच्ची। घर में अभी सभी ने नाश्ता कर लिया है, बर्तनों पर लग गया है ढेर बहुत ज्यादा। यहाँ से लेकर वहां तक बर्तन ही बर्तन दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बर्तन साफ कर रही हूँ। झूला मिल रहा है यहाँ पे, झूला है। लड़े तो दो सारी पिछली दिवाली की लगी हुई है, अभी तक उतारी नहीं है। ये माला जी को यहाँ पे झूला मिल रहा है, झूला मिल रहा है यहाँ पे। पहले आपने व्लॉग में देखा होगा कि ये लड़ी हमने रूम में लगाई थी, लेकिन अभी जब पीछे से मैं पटियाला गई तो उस समय लड़ी पता नहीं कैसे चलती चलती बंद हो गई। उसके बाद ये चल ही नहीं रही है,
तो अभी इसको उतार के दूसरी लड़ी लगाने की यहाँ पर की जा रही है तैयारी। बीच में एक दो दिन बाकी है बस, उसके बाद दिवाली आने वाली है। लेकिन ये जो भी हम लड़ी चेंज कर रहे हैं दिवाली की वजह से नहीं कर रहे। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा व्लॉग में कि हमारे रूम में लड़ी पहले से ही लगी हुई थी, वो लड़ी खराब हो गई है तो उसको भी बदला जा रहा है। एक्चुअल में सीन ये है कि कुच्चू को पसंद है कि रूम में लाइट हो, मुझे पसंद है कि बिल्कुल अंधेरा। मुझे नींद नहीं आती लाइट में, कुच्चू को नींद नहीं आती अंधेरे में। तो इस वजह से बीच का सोल्यूशन ये कि हम ये जो लड़ी ऑन कर लेते हैं तो रोशनी भी रहती है हल्की हल्की सी रूम में, मेरा काम भी चल जाता है, इनका काम भी चल जाता है। तो भी लड़ी चेंज की जा रही है, थोड़ा रूम का लुक भी थोड़ा अच्छा सा हो जाता है, मन सा लगता है कमरे में, क्योंकि घर के अंदर ही रहना दिन भर। तो अभी कुच्चू का आज टाइम है इनके पास, नितिन के पास टाइम ही नहीं होता। आपके सामने ही है कि ये सुबह ऑफिस चले जाते हैं, फिर रात को उनके वापस आने का कोई घर टाइम होता नहीं है। तो आज ही थोड़ा फ्री थे तो मैंने कहा चलो आज इस काम को कर लिया जाए। तो अभी कुच्चू महाराज जी करने लगे हैं लड़ी को सेट एक बार फिर से। और आपको मैं उस दिन कह रही थी, जिस दिन चूहा पकड़ा था हमने, उस दिन मैं आपको कह रही थी कि चूहा बड़ा अच्छा था यार, इसने कोई नुकसान नहीं किया। इसका नुकसान अब दिखाई दिया मेरे को, ये देखो चूहे ने नुकसान नहीं किया पूरा। ये जो बिछाने वाला हम जिसमें खाना खाते बैठ के कुच्चू और मैं, ये पूरा ही फाड़ के चला गया। बेड पे आप खाना खाते हो ये कमेंट भी आता है, उसका रीज़न ये है कि नीचे बैठ के खाना खाना क्या, हमारे पास स्पेस नहीं है, ना ही हमारे पास अभी फिलहाल डाइनिंग टेबल है, तो हमें बेड पे ही खाना पड़ता है। बेडशीट ख़राब हो जाती है उसकी वजह से ये लिया था, लेकिन इसका देखो क्या हाल चाल हो गया। ये फाइनली लड़ियां लग गई हैं रूम में। चन चरन चन चरन चन चन चरन। एक किल यहाँ पर ठोक दी गई है, दूसरी किल वहां पर ठोक दी जा रही है। हेलो, नमस्कार मामा जी, हैप्पी धनतेरस मामा जी, थैंक यू, हैप्पी दिवाली मामा जी। बाजार? हम क्या करेंगे बाजार में, हम तो घर के अंदर ही हैं। यहाँ पर भी सेटलमेंट हो रहा है सामान का, सेटिंग कर रहे हैं, वो व्लॉग में देख लेना आप क्या क्या कर रहे हैं। थोड़ा बहुत रूम सेट कर रहे हैं, कुछ थोड़ा अभी लेट जाएंगे तो मैंने कहा चलो थोड़ा ये लगे हुए हैं साथ में करवा रहे हैं। सुबह से दोपहर हो गई है, रूम की सेटिंग करते 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 करते, मतलब चीज़ें मैंने जिस हिसाब से रखी थी कुछ कर ऐसे नहीं, अगर ऐसे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये इवेंट मैनेजमेंट वाले पति देव ना मेरे, सारा सामान एक बार फिर से उन्होंने सेट करवाया, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो अभी पूरा रूम मतलब कुछ अलग ही लुक दे रहा है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कैसा लग रहा है, ये कलाकारी भी अभी की गई है, ये कलाकारी भी अभी की गई है। मतलब जो सामान सारा यहाँ पे बिखरा रहता था ना, वो सारा सामान ऊपर यहाँ पे सेट करके लगा दिया गया है। लास्ट ईयर दीपावली के ब्लॉग में आपने देखा होगा ये जो तितली वाले, ये चिड़िया वाले सारे स्टिकर्स लास्ट कुछ लेके आए थे लास्ट ईयर, तब लगाए थे। ये एप्पल तो मेरे एप्पल के फोन में से निकला था, वो मैंने इसमें चिपका दिया था। और एक गत्ते के जो थे ना, ये इसका ना गत्ता साइड से टूट रहा था तो मैंने काट के ना इसे अलमारी के ऊपर चिपका दिया इनको। और बाकी तो आपको दिखाई दिया था। कुछ फिलहाल गए हुए हैं नहाने के लिए, मैंने कहा चलो जब इतना हो गया तो बेडशीट भी चेंज कर ही देते हैं फिलहाल, बस एक दो दिन तो रह गए दीपावली के, तो बेडशीट भी चेंज कर दिया मैंने अभी। पहले के ब्लॉग्स में आपने नोटिस किया होगा एक छोटे से फ्रेम में हमारी फोटो लगी हुई थी ये वाली, वो फ्रेम टूट चुका है, टूट क्या चुका है, कुछ ने गुस्से में उसको उड़ा दिया। तो भी फोटो रह गई थी, फोटो मैंने निकाल के बेड पर चिपका दिए। यहाँ पे भी पीछे एक फ्रेम था पहले हमारी पिक्स वाला, वो भी कुछ महाराज जी ने गुस्से में उड़ा दिया। लोग कहते हैं ना बहुत समझदार लगते हैं आपके जोशी जी देखने में, बड़े शांत स्वभाव के लगते हैं। ऐसा शांत स्वभाव है, जब तक शांत है शांत है। एक बार चंडी चढ़ गई ना इनको, उसके बाद इनका तांडव देखने वाला होता है। सामान जितना भी है सब फोड़ देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं। इस वजह से ज़्यादा मेरे रूम में कांच का सामान कुछ है नहीं, बस ये फ्रेम फिलहाल बचे हुए हैं, देखो कब तक बचे हुए हैं। ये साफ सफाई के चक्कर में लगी रह गई। मैं अभी दोपहर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया, जोशी जी फिलहाल गए हुए हैं नहाने के लिए। अभी ये वापस आते तो उनको पूछूंगी, अगर मैगी वगैरह खाएंगे तो वही बना दूंगी।
और मम्मा आरती फिलहाल गए हुए हैं बाहर। मतलब हमारे जो अगल बगल के घर हैं सब घर सज रहे हैं, मस्त से बन रहे हैं। लड़ियाँ तो कल लग गई थी, वो कल के ब्लॉग में मैंने आपको दिखा दिया था। बाकी गेट वगैरह पे सब सजावट कर रहे हैं, घर के अंदर सजावट कर रहे हैं, तो उनकी मदद कर रहे हैं पड़ोसियों की, और हम खुद की मदद कर रहे थे कुछ चोर में फिलहाल अभी तक। हुई माता जी, मुझे तो जस्ट अभी याद आया कि घर का काम काज अभी निपटा है, दोपहर हो गई है और फिलहाल मैंने ब्लॉग भी एडिट नहीं किया, मतलब फ़ोन का कुछ भी नहीं किया हुआ अभी। फ़ोन का सारा काम भी मेरा भी रहता है यार, मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ नहीं हूँ, मैं ब्लॉगर भी हूँ। कभी कभार दिमाग से निकल जाता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है ज़िंदगी में। शाम को 7 बजे मुझे करना है ब्लॉग अपलोड, तो उससे पहले पहले एडिट होना चाहिए। तो फटाफट से एक काम करते हैं, जैसे भी जा रहे हैं अभी लेट ही सही, लेकिन फिलहाल फोन का सारा कामकाज निपट चुका है, व्लॉग वगैरह एडिट हो जाता है, आपके कमेंट्स के रिप्लाई हो जाते हैं, मैं ना काफी टेंशन फ्री सी हो जाती है जब ये सारा कामकाज निपट जाए। तो व्लॉग एडिट नहीं और खाता तो मुझे टेंशन हो रही थी, पता नहीं 7 बजे तक हो जाएगा, हो तो जाता है लेकिन फिर भी टेंशन सी रहती है, क्योंकि कई बार पता नहीं रहता भजनों में भी कॉपीराइट आ जाता है तो फिर बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा टाइम लेकर ही चलती हूँ हमेशा। जो तो ऑफिस चले गए थे, थोड़ी सी क्लिप मैंने ऐड की थी उनके जाने की, कुर्ता पजामा पहन के गए हैं क्योंकि उनके ऑफिस में पूजा पाठ है, तो पूजा पाठ अटेंड करके जल्दी घर वापस आ जाऊंगा ऐसा बोलकर तो गए हैं। बाकी उनका जल्दी तो बात की बाद में देखी जाएगी, कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। कुछ ना हमेशा शुरू से ही, मतलब हमेशा मेरी मदद करवाते हैं दिवाली की सफाई वगैरह करने के लिए, मेरा रूम वगैरह। बाहर की तो सारी सफाई सब लोग मिलकर हम लोग कर लेते हैं, लेकिन मेरे रूम की सफाई सिर्फ मेरे को ही करनी होती है, तो कुछ हमेशा मेरा साथ देते हैं करवाने में। तो अभी तो सारा सामान वैसे ऑलमोस्ट मैंने सेट कर रखा था, साफ सफाई हो रखी थी, लेकिन फिर भी हम कुछ ने अपने हिसाब से सामान वगैरह सेट किया तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, रौनक सी लग गया तो कमरे में, अब लग रहा है कि यहाँ दिवाली है करके। चलो चलते हैं बाहर, दिखाती हूँ आपको बाहर क्या क्या डेकोरेशन हो रही है। यहाँ पर भी सजावट, यहाँ पर भी सजावट, सबके दरवाजे सज चुके हैं। आती जाती? यस। कल तो दिवाली है। अच्छा तो दिवाली है? ओके बात। दिवाली के शुभ अवसर पर यहाँ पर भी तैयारियाँ हो चुकी हैं। अभी लाइट मैंने बंद की आपको दिखाने के लिए, ये देखिए कितना मस्त व्यू आ रहा है। कहते क्या भैया से? अलग अलग आकृतियां आ रही हैं इसमें, दिल है, स्माइली है, तितली है, ये है टी टाइम। यहाँ पर हमारे पास नमकीन का खजाना है। शाम की चाय पीने के बाद अब एक बार फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, मैं करने लगी हूँ डिनर की तैयारी। ज्यादा समय जोशी जी बोल के गए थे कि कल रोटी खाई थी रात को, तो आज ना चावल बना लेना। मतलब आरती हो गए, कुच्ची हो गए, देवर जी हो गए, मतलब ये सभी, इनको ऐसा रहता है कि बस रात को तो चावल ही खाने चाहिए इंसान को जिंदगी में। और डॉक्टर तो मोस्टली यही बोलते हैं कि भैया रात को चावल अवॉइड किया करो, लेकिन हमारे घर का सिस्टम ही ऐसा वही है कि मेजोरिटी जो बोलेगी वही काम किया जाता है। तो आरती भी बोल रही है कि भाभी दाल चावल बना लो, कुच्ची भी बोल के गए थे कि चावल बना लो, तो अभी एक बार फिर से यहाँ पे बनने वाले हैं आज दाल चावल। दाल मैंने भी थोड़ी देर पहले भिगा दी थी, भीग चुकी है वैसे अच्छे तरीके से, संतरी पीली दाल है, नाम आप लोग बता देना इसका, क्या नजदीक से दिखा दूंगी। और यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च मैंने काट ली है, पहले मैं इसको छोंक के उसके बाद दाल को, बस 2 सीटें लगाएंगे दाल तैयार हो जाएगी। कैसे बनाते हैं आपके साथ पहले रेसिपी शेयर की हुई है, तो मैं रेसिपी नहीं शेयर करूंगी, फटाफट से बना लेते हैं दाल। ये कौन सी दाल है, अगर आपको इस दाल का नाम पता है तो जरूर बताइएगा कमेंट्स में। लीजिए हमारा तड़का तो बढ़िया तरीके से तैयार हो चुका है, तेल ऊपर तैरता हुआ नजर आ रहा होगा आपको, बस अब इसमें हम ऐड कर देंगे दाल। सर्दियों से वाला मौसम शुरू हो चुका है, अभी बहुत जल्दी दिन ढलने लग गए हैं, शाम के समय ना थोड़ी ठंडी सी भी फील होने लगी है। अभी आपके वहाँ का वेदर कैसा बताइएगा जरा। तो चलिए पहले पूजा पाठ कर लेते हैं अभी। आज लक्ष्मी मात मेरे घर आवेगी, आज लक्ष्मी मात मेरे घर आवेगी, घर आवेगी, घर आवेगी, आज लक्ष्मी मात मेरे घर आवेगी, सारे घर की करूँ सफाई, देसी घी की करूँ कढ़ाई, लक्ष्मी माँ अपने साथ गजानन लाएगी, रिद्धि सिद्धि भी साथ में मैया लाएगी, आज लक्ष्मी मात मेरे घर आवेगी, आज लक्ष्मी माँ। दाल तो तैयार हो चुकी है हमारी बढ़िया तरीके से, बस चावल बनाने रहते हैं, जब कुछ घर वापस आएंगे उसी समय चावल बना लूंगी। अब मैं बाहर गई थी, गली बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छे तरीके से सजी हुई है, आपको भी दिखाऊंगी अभी बाहर जाके।
और मम्मा बैठे हुए हैं बाहर अपनी सहेलियों के साथ, बातचीत चल रही है फुल टू फुल। एक्चुअली मैं आरती को देखने के लिए गई थी, जैसे कि आप सबको पता ही है कि आज धनतेरस है। वैसे कह रहे थे कल शाम से शुरू था, मतलब 6 बजे से, और आज पूरा दिन था। तो कल तो मैंने कुछ खास खरीदारी की नहीं थी, कुछ खास खरीदारी इस बार हमने वैसे करनी भी नहीं है, और वैसे सच बताऊं तो बजट भी नहीं है इस बार मेरा इतना। लेकिन चलो थोड़ा बहुत शगुन के तौर पर मेरे को भी था, चल मार्केट जाते थोड़ा बहुत कुछ ले आते हैं। लेकिन आरती अभी बाहर है नहीं, वो पड़ोसी के साथ बाहर गई है। आज पूरा दिन आरती बाहर ही है, सबके घर में सजावट हो रही है, देखने में लगी हुई है क्या हो रहा है कैसे हो रहा है करके, तो अभी भी वो बाहर नहीं है। तो चलो लवी की मम्मी के घर चलते हैं, देखती हूँ अगर दीदी फ्री हैं तो उनके साथ मार्केट जाती हूँ। शगुन के तौर पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना, तो चलो चलते हैं बाहर। पूरी गली जगमगा रही है हमारी। रौनक लगी हुई है हमारी गली में। सभी ने दिए जला रखे हैं अपने अपने घर के बाहर। खेलने खेलने हो रही है यहाँ पे, परेशान कर रहे हो आप अम्मा को। ये लो, इस हाथ से नहीं, उस हाथ से फिर उल्टा हो जाएगा। टडैंग 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 टडैंग। हेलो आंटी चाची, सीधा हाथ करो, मुट्ठी बंद खोलो, मुट्ठी बंद खोलो, मुट्ठी बंद खोलो, मुट्ठी बंद खोलो, अब खोल दी। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। स्टार्ट हो गई है हमारी, चलो चलते हैं मार्केट। दीदी आ गए हैं बाहर स्कूटी लेके, चलो चलिए। आरती वहां जा रही है, हम जा रहे हैं। लड़िया ही लड़िया, सजावट ही सजावट। जहाँ देखोगे वहाँ साजो सजावट ही दिखाई देगी आज तो चारों तरफ। दिवाली से जस्ट एक दिन पहले का माहौल। झाड़ू लेने के लिए आए हैं अभी, कह रहा है बेटा लेकर के तो ऑफिस से। खोल के तो दिखाओगे, खोल के नहीं दिखाओगे? आपको घर बेकार हो रही है तो वापस हो जाएगी आप। अच्छा पूरी पैकिंग है, खुलेगी नहीं ये वाली ओपन है। ये कैसे है, ये कैसे है? ये 100 रुपए, ये 100, और वो वाली पैकिंग वाली, पैकिंग वाली 120 है, 120 है। हम बाहर मार्केट में आए और बिना कुछ खाए घर चले जाएं, नहीं हो सकता। तो अभी हम एक बार फिर से हमारी फेमस मोमोज वाली रेडी पर आए हैं, और भैया बोल रहे हैं कि जो वेज वाले मोमोज जो मुझे पसंद है वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन दीदी बोल रही है टेंशन मत ले बेटा, हम पनीर वाले खाएंगे, गर्मा गर्म पनीर वाले मोमोज। पीछे भी लड़ियाँ लड़ियाँ जगमगा रही हैं। ओहो, ये आपके गम गम। आराम से खा, चिंता क्यों कर रही है, भागे ना। और आप ज्यादा ना ना खा लो, कहीं मैं पीछे रह जाऊँ। मोमोज खा के जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो वहाँ पर कुछ सब्सक्राइबर्स मिल गए थे, उनके साथ पिक्स वगैरह क्लिक करवाई। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप में से कोई भी मिलता है। तो अगर आप में से कोई भी मुझे कहीं पे भी देखे मिले तो बुला लिया करो यार, मुझे भी अच्छा लगता है। तो पिक्स वगैरह क्लिक करवा के उनके साथ मैं आई हूँ, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं भूल गई ब्लॉग बनाना। अभी यहाँ पे आके याद आ रहा है, अभी हम यहाँ पे फिलहाल बैठे हुए हैं, बाहर हमारी चाउमीन पैक हो रही है, चाउमीन पैक हो रही है। थोड़ा सा सामान रह गया था वो लेने के लिए भी रुके हैं हम शॉप पे। दीदी हैं अभी शॉप के अंदर गई हुई, काफ़ी सारा सामान हमने खरीदा है, घर जाके दिखाऊंगी आपको, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था मार्केट में, तो इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा बेफालतू में कहीं फोन वोन ना चोरी हो जाए मेरा, तो चलो घर जाके दिखाऊंगी आपको सामान जो भी दिया है हमने। मार्केट से अभी हम ये सब शॉपिंग करके लेके आए हैं, कैंडल्स हैं, बच्चों के लिए पटाखे हैं, ये पिस्तौल में जो ये गन है लवलवी की उसमें भरने वाली गोलियाँ हैं, ये भी पटाखे वटाखे हैं, इसमें मिठाई का डब्बा आधा किलो का, मिल्क केक है इसमें, खिलौने, दूध के पैकेट्स, और लक्ष्मी माता और गणेश भगवान जी। तो ये है फिलहाल की शॉपिंग जो दीदी ने की है।
छोटे दीपावली के शुभ अवसर पर यहाँ पर 5 दिए जलाए जा रहे हैं। दीदियों के यहाँ पे रिवाज है, देसी घी यहाँ पे मेल्ट किया गया है। उससे पहले इन दियों को मार्केट से लाकर भिगा के रख दिया गया था पानी में, और अब इनमें डाला जा रहा है देसी घी, फिर बाती डालकर ये दिए जलाए जाएंगे। जय हो भगवान। दीदी का प्यारा सा मंदिर, ओम साईनाथ। यहाँ पर दिए जलाए जा रहे हैं घी के, कितने प्यारे लगते हैं ना दिए जलते हुए। ये फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दीपावली। जय हो। अपने घर वापस आ गई हूँ। अभी मैं सिर्फ एक झाड़ू खरीदा है मैंने धनतेरस की वजह से, और कुछ भी नहीं खरीदा। भोलेनाथ की कृपा रहे, माता रानी की कृपा रहे, नेक्स्ट ईयर अच्छे से मनाएंगे धनतेरस। कुछ चांदी का खरीदेंगे, कुछ सोने का खरीदेंगे। इस बार हम कुछ खास खरीद भी नहीं सकते थे, ले भी नहीं सकते थे, तो चलो जो माता रानी को मंजूर वो ठीक है। तो चलो भी देखते हैं कुछ महाराज जी कब तक घर वापस आएंगे, उनका वेट करते हैं। अभी मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया था, जाने से पहले आपके कमेंट्स की रिप्लाई करने लगी हूँ। अभी रात के तकरीबन 9:15 बज चुके हैं, अभी कुछ घर वापस आ गए हैं। मैंने सोचा चलो आज खाना वगैरह खा के टाइम पे सब कुछ निपटा लूंगी मैं, फिर आराम से बैठेंगे, बातचीत करेंगे फैमिली में बैठ के। लेकिन कहाँ इतना अच्छा टाइम हमें मिल सकता है। अभी कुछ कह रहे हैं सिर्फ दाल चावल और कोई सब्जी साथ में नहीं है। मेरे को ये था कल की थोड़ी सी बची हुई सब्जी थी, मैंने कहा चलो उससे काम चला देंगे। लेकिन कुछ कह रहे हैं नहीं, मेरा मन है भुर्जी खाने का आलू की, तो अभी आलू छील लिए पानी में, यहाँ पे तैरते हुए आलू दिख रहे होंगे आपको, तो मैं भुर्जी बनाने लगी हूँ। अब इस पर टाइम लगेगा। और आलू को लंबी लंबी शेप में बारीक तरीके से यहाँ पर काट लिया गया है। डन 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 डन। लीजिए हमारे गर्मा गर्म आलू की भुजिया हो चुकी है तैयार। बाहर पटाखे बज रहे हैं बहुत जोरों शोरों से। डिनर टाइम। दाल भात कैसा रहा बच्चों? बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। खाना खाने के बाद अब बारी है यहाँ पर बर्तन साफ करने की। फिलहाल रसोई का सारा काम काज निपट चुका है। फिलहाल इस सीजन के जो इस बार के जो हमारे त्यौहार है वो थोड़े से ऐसे ठंडे ही रहने वाले हैं, तो कोशिश करेंगे आगे आने वाला समय अच्छा और हो, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना सकूं। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, यानी कि दिवाली वाली वीडियो में। ये आइए आह आह। Thank you.